मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस मीन्स अपेंडिक्स का सूजन होना या इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। एक ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें ऑलमोस्ट ये रहता है कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और इसको सर्जरी के द्वारा ही अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। डेफिनेशन, अपेंडिसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑन अपेंडिक्स दैट डेवलप मोस्ट कॉमन एडोलिसेंट एंड यंग एडल्ट्स। अपेंडिसाइटिस का इन्फ्लामेशन जो अपेंडिक्स कंडीशन होती है वह मोस्ट कॉमन डेवलप होती है एडोलिसेंट और यंग एडल्ट्स। अपेंडिसाइटिस एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स का। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट सीवियर एब्डोमिनल पेन। मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीवियर और एक्यूट एब्डोमिनल पेन। द एब्डोमिनल मोस्ट टेंडर एंड बर्निश पॉइंट 1/3 ऑफ डिस्टल फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द एम्बिलिकस। द करस्पॉन्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, यानी 1/3 इंच लॉन्ग ट्यूब एक ट्यूब से होता है जो एक्सटेंड फ्रॉम होता है योर लार्ज इंटेस्टाइन तक ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ योर बॉडी, यानी रो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ। जो एम सी बर्सी पॉइंट है, मैक बर्निश पॉइंट मीन्स होता है इसका, इसको डिफाइन किया गया एक पॉइंट होता है। यदि एबडोमेन को 9 भागों में बांटा गया, 5 साइन होते हैं ऑफ एबडोमेन, जिसमें 1/3 ऑफ द इंटरस्टिशियल लेटरली ऑन ए लाइन ऑफ ड्रॉ फ्रॉम एम्बिलिकस ऑफ द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्लासीफाई इट करप्शन टू द लोकेशन ऑफ द बेस ऑफ द अपेंडिक्स, जो कि बेस होता है अपेंडिसाइट्स का, यानी एम बर्निश पॉइंट्स में ही अपेंडिसाइट्स जो है लोकेट होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। दिस इज एम्बिलिकस, देन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, देन अब एम बर्निश पॉइंट, मैक बर्निश पॉइंट, एम्बिलिकस, एम बर्निश पॉइंट्स, देन एंटीरियर क्रिस इलियक, देन नेक्स्ट डायग्राम सीन लार्ज इंटेस्टाइन टू अपेंडिक्स। रिस्क फैक्टर ऑफ अपेंडिक्स, पहला इन्फेक्शन, पॉसिबली स्टोमक इन्फेक्शन दैट ट्रेवल टू साइड अपेंडिक्स, ऑब्स्ट्रक्शन सच एज द हार्ड पीस ऑफ द स्टूल गेटिंग ट्रैप्ड इन अपेंडिक्स लीडिंग टू इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स। एक हार्ड पीस ऑफ स्टूल होता है जिसको अपेंडिक्स लीड करता है इन्फेक्शन तो अपेंडिक्स। एक्सट्रीम ऑफ एज, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, कोई पहले कोई सर्जरी हो रखी हो। नेक्स्ट है कॉज, एक्यूट अपेंडिसाइटिस सीम्स द एंड टू ऑब्जर्व प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। फियोकोलिथ, फियोकोलिथ क्या है, एक हार्ड स्टोनी मास होता है जो ऑफ द फिशेज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है अपेंडिक्स को लीडिंग टू अपेंडिसाइटिस और अपेंडिसाइटिस को लीडिंग करता है। इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, यानी कोप्रोलिथ एंड स्ट्रकोलिथ, सॉरी। वंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एकर्स द अपेंडिक्स बिकम फाइल म्यूकस एंड सेवलेंस। दिस कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर विद द ल्यूमन एंड द वॉल्स ऑफ द अपेंडिक्स, यानी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो अपेंडिक्स है वह काफ़ी म्यूकस को और प्रोडक्शन करता है जो कि ल्यूमन को इंक्रीज करता है प्रेशर, और जो ल्यूमन वॉल है उनको अपेंडिक्स की, ताकि जिससे अपेंडिक्स ब्रस्ट भी हो सकती है। द इंक्रीज प्रेशर ऑफ द रिजिड थ्रोबोसिस ऑक्लूजन ऑफ द स्मॉल वेसल्स एंड स्टेटस ऑफ लिम्फेटिक फ्लो, इसके कारण से अगर इंक्रीज प्रेशर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, थ्रोबोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ द स्मॉल वेसल्स एंड स्टेटस ऑफ लिम्फेटिक फ्लो। कॉमन कॉज क्या होते हैं, फिकल इम्पिटेशन एंड ओवर फेसिटली, द लेड बिल्ट अप कैल्शियम सॉल्ट फिकल लाइब्राइज अराउंड ऑफ द पीस ऑफ द फिकल मटेरियल विद इन अपेंडिक्स, लिम्फोइड हाइपरप्लेशिया। द अपेंडिक्स कंटेंट्स लिम्फोइड इम्यून सिस्टम टिश्यू दैट कैन बिकम इन्फ्लेम एज ए रिजल्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज। पैरासाइट्स एग्जाम्पल सिसोस्टोन, स्टोसोम्स स्पेसिस, पिनवॉर्म, स्ट्रोगाइलोराइड्स, स्ट्रोकोलाइलिस। अनकॉमन कॉज क्या है, असामान्य ट्यूमर, फॉरेन मटेरियल, ए वाइड वाइडली ऑब्जेक्ट और फॉरेन ऑब्जेक्ट कैन बिकम लोड डिजर्ट इन द अपेंडिक्स। सम दिस इंक्लूड शॉटगन, पैलेट्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, टंग स्टड्स, एक्टिवेटेड कैरकोल, ट्रोमा, इंटेस्टाइन वॉर्म्स एंड लिम्फेडेनाइटिस। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अपेंडिक्स, फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन वॉल ऑफ द अपेंडियल ल्यूमन में इनसाइड ऑफ अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स साइड्स के अंदर। बिल्ड ऑफ द म्यूकस इन द अपेंडिक्स, म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ बड़ा, अपेंडिक्स क्या हुआ, कंसिस्टेंटली सीक्रेटिंग म्यूकस, और अपेंडिक्स क्या करने लगी, म्यूकस को सीक्रेट करने लगी, इससे क्या हुआ, इंक्रीज द अपेंडिकल ल्यूमन प्रेशर, जिसके कारण से क्या हुआ, अपेंडिक्स का ल्यूमन प्रेशर बढ़ गया, इसके कारण से क्या हुआ, आगे जो डिक्रीज है वो ब्लड फ्लो हुआ द अपेंडिक्स
एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी होगी, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, अल्सरेशन हो गया रीजन ऑफ द अपेंडिक्स म्यूकोजल लाइनिंग। फिर क्या हुआ, प्रमोट्स माइक्रोब इन्वेशन, एग्जाम्पल बैक्टीरियल, तो ये बैक्टीरियल का प्रमोशन होना शुरू हो गया, इससे क्या हुआ इन्फ्लामेशन एंड द स्वेलिंग ऑफ द अपेंडिक्स, इसके कारण से क्या हुआ इन्फ्लामेशन हो गया अपेंडिक्स के कारण और अपेंडिक्स की कंडीशन डेवलप हो गई। टाइप्स, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज एज ए नाम ऑफ इम्प्लेंट्स डेवलप वेरी फास्ट, यूजली इज ए स्पेन ऑफ सीवरल डेज ऑफ फोर्स, ए इजी डिटेक्ट टू डेक और प्रमोट मेडिकल ट्रीटमेंट यूजली सर्जरी। एक्यूट अपेंडिसाइटिस अकोर द वोमी फॉरम अपेंडिक्स इन कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड either of the bacterial infections, feces, other types of blockage. Infection may be also cause swelling the lymph nodes, which is then the process appendicitis, cutting of the blood supply. Continue. Appendicitis can be chronic, but is a rare condition. बहुत rare condition में होता है ये conditions. Chronic appendicitis inflammation can be cause long time. This is a rare, according to report published on Therapeutic Advantage Gastroenterology. In the case in the 1.5% is reported acute appendicitis cases. Basically, क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस मीन्स इन द अपेंडिकल ल्यूमन इज ओनली पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड कॉजिंग इन्फ्लामेशन, द इन्फ्लामेशन वर्सेंस ओवर टाइम कॉजिंग इंटरनल प्रेशर ऑफ बिल्डअप। स्टम अपेंडिसाइटिस इज अ रेड अपेंडेक्टोमी साइड इफेक्ट, इट इज द मोस्ट इंसेंट इन द अपेंडिसाइटिस एंड अपेंडेक्टोमी इज यूजुअल प्रोसीजर रिकमेंडेड एंड इट वर्क्स बाय कंप्लीटली टेकिंग आउट ऑफ द अपेंडिक्स इट प्रिवेंट इट इज रैप्चरिंग। इफ द अपेंडिक्स ऑलरेडी रैप्चर्ड एडिशनल ट्रीटमेंट मेजर are performed during the appendectomy as the infection needs to be prevented from spreading. Symptom of the clinical manifestation of the appendix, local tenderness and McBurney's points when pressure applied, rebound tenderness, production in intensifications on pain when pressure released may be present, jaise ki abdomen pain 95% hota hai zyada, anorexia, constipation, diarrhea, फीवर, माइग्रेशन ऑफ पेन विद लार्ज लोअर क्वाड्रेंट, नोजिया वोमिटिंग। साइन, एब्डोमेन टेंडरनेस 90% अबव, राइट लोअर क्वाड्रेंट 90% अबव, लेफ्ट लंग डाउन 30-70%, रेक्टल टेंडरनेस 30-40%, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस 30%, रिजिडिटी 10%। कंटिन्यू, पॉज साइंस, अब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड प्रो साइंस 5%, पल्पेबिलिस मास 5% अबव। Assessment of diagnostic findings. This diagram, first sign is the McBurney points, then right lower quadrants, anterior superior iliac spine, then seen is circumdent above appendix, then umbilicus is the left lower quadrant, crossing spine, elicited when left lower quadrant is palpated. When the appendix is inflamed, tenderness can be noted in the right lower quadrant. McBurney's point, which is the between the umbilicus and the anterior superior iliac spine. Revulsing sign is the pain felt in the right lower quadrant after the left lower quadrant margin was palpated. Continue. This diagram seen cecal ileus, then localized tenderness of guarding the appendix. Reversing sign and initial discomfort. Then obstructor sign mein kya hai? Just hip. पहले रिवर्सल साइन, पल्पेनिंग इन द लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कोज पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट पेन में जो है आएगा पल्पेशन में, ये हमें दिखेगा पल्पेशन की कंडीशन के दौरान क्या होगा कि जो पेन है वो लेफ्ट से राइट की द्वार आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड साइन, इंटरनल रोटेशन हिप कोज पेन, अगर हम रोटेशन करेंगे हिप को तो पेन होगा एब्डोमिनल साइड्स पे, पॉसिबली इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स लोकेटेड इन पेल्विस। डनफी साइन, इंक्रीज पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट विद कफ, कफ के साथ में पेन, एब्डोमिनल पेन। लियोप्सोस साइन, एक्सटेंडिंग द राइट हिप कोज पेन एमोलिंग पोस्टीरियर लैटरल बैक एंड हिप, सजेस्टिंग रिट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस। पोजेस साइन, सिटकोस्की या रोसिंस्टीन साइन, इंक्रीज पेन इन द राइट इलेक्ट रीजन ऑफ द पर्सन इज बींग एग्जामिन्ड लाइज ऑन हिज एंड हर लेफ्ट साइड। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन द लेबोरेटरी एक्सरे फाइंडिंग, द कंप्लीट ब्लड सेल काउंट डेमोस्ट्रेट एंड एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट, द ल्यूकोसाइट काउंट बी एक्सीड 10,000 सेल्स माइक्रो मिलीग्राम MM3 एंड द
न्यूट्रोफिल काउंट में भी एक्सीड 75%। एल्वेरेडो स्कोर, एल्वेरेडो स्कोर इज द मोस्ट वाइडली यूज स्कोरिंग सिस्टम। द स्कोर बिलो 5 सजेस्ट पॉइंट ए डायग्नोस्टिक अपेंडिसाइटिस, वेयर एज द स्कोर ऑफ 7 ऑन मोर प्रोडक्टिव एंड एक्यूट अपेंडिसाइटिस। माइग्रेटरी राइट इलियक रिबोसा पेन, एनोरेक्सिया, नोजे, वोमिटिंग 1-1। साइंस में क्या होगा, टेंडरनेस अगर होगा तो इलियक फोसा में 2 पॉइंट्स, रेब्राउन सेंटेशन होगा 1, एलिवेटेड टेम्परेचर 1। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स अगर आई हैं तो 2, शिफ्ट ऑन द लेफ्ट न्यूट्रोफिल्स 1, टोटल स्कोर 10 आ गया। अब सिग्निफिकेंस में क्या क्या होगा, 1-4 अनलाइकली टू बी एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पॉसिबली में क्या होगा, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस 5-6, 7-8 एक्यूट अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट, डेफिनेट एक्यूट अपेंडिसाइटिस रिक्वायरिंग सर्जरी 9-10। एब्डोमिनल एक्सरे, फिल्म्स, अल्ट्रासाउंड स्टडीज, एपिसिलेटिक नॉन कंप्रेसिव डायलेटेड अपेंडिक्स अबाउट 6 mm आउटर डायमीटर, डिस्ट्रिक्ट अपेंडिकुलर वॉल लेयर, पेरिफेरल फ्लूइड कलेक्शन एनलार्जमेंट, सीटी स्कैन डायलेटेड अपेंडिक्स, डायस्टम ल्यूमन 6 mm डायमीटर, थिकेंड एंड इनहेंसिंग वॉल, थिकिंग वॉल ऑफ द फोकल अपेंडिक्स अप टू 80%। मैनेजमेंट, सर्जरी इंक्रीडेड अपेंडिसाइटिस डायग्नोस करेक्ट, प्रिवेंट ऑफ द फ्लूड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एंड डिहाइड्रेशन, एंटीबायोटिक फ्लूड ऑफ द एंटी सर्जरी परफॉर्म, एनाल्जेसिक कैन बी डायग्नोस ऑफ द मेड, मॉर्फिन सल्फेट 10 mg, एंटीबायोटिक सेपोटॉक्सिन, लिवोफ्लोक्सिन, मेट्रोनाडाजोल 500 एंड लिवोफ्लोक्सिन 500 mg, मेट्रोनाडाजोल 500 mg 10 ml जो एक बोतल आती है, एंड सोल्यूशन आता है 400 ml टेबलेट भी आती है मेट्रोनाडाजोल में। अपेंडेक्टोमी, इन सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज परफॉर्म इज सून पॉसिबल, डिक्रीज द रिस्क ऑफ द परफॉर्मेशन, इट मे बी परफॉर्म अंडर द जनरल स्पाइनल एनेस्थेसिया विद अ लो एब्डोमिनल इंसिजन बाय लैप्रोस्कोपी, यानी इसको जनरल एनेस्थेसिया या स्पाइनल एनेस्थेसिया के द्वारा हम सर्जरी को आसानी से अपेंडिक्स को रिमूव कर सकते हैं विद लो एब्डोमिनल इंसिजन और बाय लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी इस सर्जरी को हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल एनाटॉमी है ये, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन अम्बिलिकल्स है, लार्ज इंटेस्टाइन की जब सिकम पार्ट्स के जब अबव अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को ऐसे रिमूव किया, ये लैप्रोस्कोप सर्जरी के द्वारा हम इसको रिमूव कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देन रिमूव। ये ओपन एपेंडेक्टोमी है जिसमें हमने एब्डोमेन को ओपन करके है इस सर्जरी को किया है। नर्सिंग मैनेजमेंट, गोल्स इंक्लूड द रिलीविंग पेन, रिलीविंग पेन, प्रिवेंट द फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिटी, रिड्यूसिंग एंजाइटी, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर द पोटेंशियल या एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एंजाइटी एलिमिनेशन इन्फेक्शन द पोटेंशियल एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी आई ट्रैक्ट, मेंटल स्किन इंटेग्रिटी एंड अटेंशन ऑप्शन इलेक्ट्रोशन, द नर्स प्रिपेयर्स द पेशेंट सर्जरी विच इंक्लूड द इंटरवेनियस इन्फ्यूजन, द रिप्लेस फ्लूड लॉस, प्रमोट एडिक्यूट रीनल फंक्शंस एंड एंटीबायोटिक थेरेपी टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट हिस्ट्री, एग्जामिनेशन रिगार्डिंग पेन, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल रिबोन, टेंडरनेस, एनोरेक्सिया, मॉनिटर वाइटल साइन, बीपी, टेम्परेचर एंड बेसलाइन डाटा, एनपीओ, मुंह से कुछ भी नहीं देना, आईवी फ्लूइड्स भी स्टार्टेड, नेजोगैस्ट्रिक एक्सपेंशन करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक डालते हैं ताकि एब्डोमेन को क्लीन किया जा सके, मॉनिटर द साइन, फ्रैक्चर, अपेंडिक्स एंड पेरिटोनाइटिस, पोजीशन द साइड लाइन, दो लोवर फोल्डर पोजीशन, प्रमोट कम्फर्ट ताकि एब्डोमेन पेन में कम्फर्ट महसूस किया जा सके, आस्कल्टेट बोवल साउंड्स, आस्कल्टेट बोवल साउंड, एडमिशन एंटीबायोटिक, प्रिपेशन सर्जरी, फिजिकली साइकोलॉजिकल प्रिपेयर किया जाता है, एल एंजाइटी ऑफ फियर्स, रेटिना कंसल्ट सर्जरी, प्रिपेयर द पेशेंट विद सर्जरी विदाउट डिले, ओटी क्लोथिस मेडिकेशन गिवन विद 5-45 मिनट्स बिफोर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव क्लियर एयरवे किया, प्रॉपर प्रॉपर ब्रीथिंग, एडिक्वेट टिश्यू प्रोविजन, नेजोगैस्ट्रिक टू बी डन रेगुलरली, रिलीव टेंशन विद सुचर्स, प्रोवाइड सेफ्टी, इफेक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, केयर ऑफ ड्रेनेज ट्यूब्स, केयर ऑफ सर्जिकल वाउंड्स, वॉच द सोपेज ब्लीडिंग, डेली असेसमेंट, ड्रेसिंग एंड वॉच द साइन ऑफ द इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन स्टेटस, मेंटली आई फूड्स, ऑब्जर्व द रिटर्न ऑफ बोवल साउंड ताकि आसानी ताकि कोई लिक्विड डाइट को हम स्टार्ट कर सके, इनटेक द आउटपुट मेंटेन, मॉनिटर द वाइटल्स एंड फ्लूइड क्लियर बैलेंस, इंकरेज अर्ली इम्यूलेशन, प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, मेंटेन एनक्यूब टिल बोवल साउंड रिटर्न टू स्टार्ट वी फील केयर ओरली, मेडिकेशन प्रिपरेशन बाय गिवन 6 ओरली, नर्सिंग स्टैंडर्ड मेडिकेशन, ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी कोलर्जेनिक्स, एग्जाम्पल इंजेक्शन ऑफ एसिलॉक एज पर प्रिस्क्राइब,
after surgery, nerves be placed on semicolored positions. This position reduces the tension of the incision and abdominal organs, helping the reduce pain. Nursing diagnosis: acute pain may be related to distension of intestinal tissue by inflammation, presence of surgical incision, risk of fluid volume deficit. Risk factor of include preoperative vomiting, postoperative destruction, NPO, hypermetabolic state, example fever, healing process, inflammation of peritoneum with sequestration of the fluid, risk of infection. Risk factor include adequate primary tenderness, perforation, rupture of the appendix, peritonitis, absence of formation, invasive procedure, surgical lesion. Deficient knowledge may be needed to lack of exposure, recall information, misrepresentation, unfamiliarity with information resource. इसी के साथ में ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, एपेंडिसाइटिस. थैंक यू एवरीवन.